दोस्तों, बकरा ईद पे बकरे की कुर्बानी करना तो बहुत पुरानी प्रथा है, लेकिन आगरा में एक ऐसा परिवार है जो कि जीव हत्या के खिलाफ है। वो बकरे का फोटो केक पे लगाता है और हर बकरे ईद पर केक को काट के अपनी ईद मनाता है। पिछले 5 सालों से उसने कोई बकरा नहीं काटा, सिर्फ बकरे का फोटो केक पे लगाता है और उसे काटता है। जीव हत्या का विरोध करने वाले जैन समुदाय के लोगों ने उसका सम्मान भी किया है। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, जीव हत्या क्या आवश्यक है? कुछ लोग जीव हत्या करके भी अपने त्यौहार मनाते हैं, ये जरूरी तो नहीं। आज आपके लिए मैं बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। आगरा के ताजगंज में मूल चमन सेगवानी रहते हैं, क्योंकि आज से 6 साल पहले एक बकरा लाए थे कुर्बानी के लिए। अब उन्होंने उस बकरे के बच्चों को पालना शुरू किया। तभी कुछ समय बाद 15 अगस्त को उनका एक बेटा होता है, उसका नाम वह गुलवतन सेगवानी रखते हैं। और गुलवतन सेगवानी और बकरे का बच्चा एक साथ बड़े होते हैं, दोनों घुल मिल जाते हैं, दोनों एक साथ खेलते हैं। और अब आता है कुर्बानी का दिन। जैसे ही गुलवतन सेगवानी को, यानी कि मुल्ला जी के बेटे को पता चली कि अब कुर्बानी का दिन है और उनके दोस्त जो कि बकरा है उसकी कुर्बानी होने वाली है, उसने इसका विरोध चालू कर दिया, खाना पीना सब छोड़ दिया और अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि इस बकरे की जान ना ली जाए। अब पिछले रविवार को बकरा ईद थी, उन्होंने अब की बार भी बकरे का केक ही काटा, ना कि बकरे को काटा। जैन समुदाय के लोग जो कि जीव हत्या के खिलाफ हैं, उन्होंने उनका सम्मान किया। दोस्तों, पिछले रविवार भी बकरा ईद गई है, गुलचमन ने इस बार भी बकरे ईद पे बकरा नहीं काटा, बल्कि बकरे का फोटो लगा के केक काटा और अपनी ईद की रस्म को अदा किया। जैन समाज के लोग जो कि जीव हत्या के खिलाफ हैं, उन्होंने इस रविवार को बकरीद वाले दिन गुलचमन सेगवानी जी का सम्मान किया। गुलचमन सेगवानी जी का कहना है कि वो इस तरह से समाज में जीव हत्या ना करने का संदेश देते हैं। गुलचमन सेगवानी की कहानी बहुत रोमांचक है दोस्तों। बचपन में जब वो अलीगढ़ में रहा करते थे तो उन्होंने वंदे मातरम गाना गाया। वंदे मातरम गाना गाने पर उनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब वो मजदूरी करके अपना जीवन काट ही रहे थे कि उनकी बुआ उन्हें अपने साथ आगरा ले आई। उन्होंने वंदे मातरम ना बोलने के फतवे को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर और भी कई बड़े बड़े इमामों के ऊपर केस कर दिया। उन्होंने दीवानी चौराहे पर जाकर, जहाँ पर कि भारत माता की मूर्ति थी, उनके सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आश्वासन तो बहुत मिले उनको, लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हुआ। उन्होंने जब एक बात बोली थी, अगर मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा, तब से वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी बुआ की बेटी से शादी कर ली। शादी यानी निकाह के दौरान उनके पास विदेशों से धमकी आने लगी। उन्होंने पुलिस में यह वाली बात बताई तो बहुत सारी उनके लिए सुरक्षा प्रदान की गई। सुरक्षा के बीच में उनकी शादी हुई थी दोस्तों। अब शादी तो हो चुकी थी दोस्तों, शादी के बाद उनकी एक साली भी थी। साली को गुलचमन जी अपनी बच्ची की तरह मानते थे। गुलचमन जी ने अपनी साली की शादी बहुत अच्छे परिवार में बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से कराई, लेकिन गुलचमन जी के चक्कर में साली के साथ अत्याचार होने लगी, मारपीट होने लगी और मुकदमे दर्ज हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, गुलचमन जी को इस्लाम से बाहर निकाल दिया गया है और कहा गया है कि उनको कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। गुलचमन के परिवार का तिरंगे से प्रेम जग जाहिर है और वो लोग कमर से ऊपर तिरंगा ही पहनते हैं। और तो और, घर भी तिरंगा रंगा हुआ है और उनके घर का नाम तिरंगा मंजिल है। और उनका बेटा 15 अगस्त को पैदा हुआ था और बेटी गुलनाज 26 जनवरी को पैदा हुई थी दोस्तों। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे।